आपका को नहीं जानती है, देख पाती है, किसी को नहीं देख पाती, महात्मा को दूर। ये सब जीव को आपको प्रकाश करने के लिए ऐसी एक शक्ति, भगवान की एक करुणा शक्ति मतिमान के लिए संसारी जीव के पास एक है वृक्ष ऑपरेटर। बड़े सार्जन लोग आपको सफाई कर देते हैं, भगवत को भगवान को दर्शन के उपयोगी बना देते हैं। आप आम 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 सबको कृष्ण सभा में उपदुक्त बना देते हैं। ये सब पैरालाइसिस हो गया, सब लोग चलती है लेकिन स्वप्न लोग पे चलती है, हाथ में भगवत भगवान की सेवा नहीं करते तो मानो वो पैरालाइसिस हो गया। आंख से नहीं देख पाते हैं, कान से नहीं सुनते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रश्न कर देते हैं कान से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, हाथ से सेवा कर सकते हैं, अलग शुद्ध वस्तु भी उनके पास चले आते हैं। नमन के साथ साथ भगवान जी थे उनके चरणारविंद उनके सामने मौजूद रखते हैं प्रणाम को स्वीकार करने के लिए। ऐसे एक महात्मा के अनुग्रहित जौन को अनुग्रह करने के लिए भगवान भी ऐसे मौजूद रहते हैं, कान में मौजूद रहते हैं, आंख में मौजूद रहते हैं, हाथ में मौजूद रहते हैं, मन में मौजूद रहते हैं। गुरुदेव विचार करके नाम दिया है सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचर्य। सिद्ध स्वरूप ब्रह्मणी विचरती जा सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचर्य, सिद्ध स्वरूपेण ब्रह्मणी विचरती जा सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचर्य। सिद्ध रूप धारण करती थी परब्रह्म जो निकुंज में, वो जमुना किनार जो निकुंज में राधा गोपी के साथ हृदय माधव देव जहाँ पर प्रयास करते वो ब्रह्मनी विचरती सेवा धर्म में धर्मों से विचरण करते हैं, वो है सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। काम तो यही समझते इसके अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। गुरु जी नाम दिया तो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी पीते सन्नास स्वीकार करते हैं। नाम है भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज। भक्ति स्वरूप का विचार करो, भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज कहते वेदांत है सिद्धांत है। हम कह सकते हैं जिनका अंदर सिद्ध भक्ति स्वभाव है सिद्ध है भक्ति स्वरूप सिद्धांत। महोत्सु राजते सुखीषु महोत्सु राजते चित्त दुबेन भक्ति प्रवाह स्वरूपेन वह भक्ति स्वरूप सिद्धांत महाराज। नाम को सार्थक करते जो अपने संसारी जीव को समझाते समझाते और नित्य लीला में एक दिन में प्रवेश किया, उनके लिए महोत्सव बना दिया है। जो लोग वैकुंठ गति प्राप्त हुए है, जो भगवान धाम में पहुंच गए उनके लिए महोत्सव बनाना उचित है। जो लोग नरक में जाते हैं उनके लिए महोत्सव बनाना ठीक नहीं है। ये तो वृथा अर्थ व्यय सार्थ व्यय परमार्थ परमायु व्यय हो जाते कितने सार्थक होते हैं। महोत्सव वस्तव के लिए महोत्सव बनाने से क्या हो जाए, भगवान से पुत्र आशीर्वाद मिलते हैं। जैसे भगवान भगवान का धर्म महोत्सव बनाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे वस्तुओं के जन्म महोत्सव और प्रधान महोत्सव जो निर्जान महोत्सव बनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रेम वर्षा छाते हैं। प्रेम तो हमें प्रयोजन है तो चैतन्य देव प्रेम बरसाते है। अधिदासी विजय उत्सव जे कोई लोग दर्शन
তার মধ্যে যে কইল নর্তন কীর্তন যে তারে বালুকা দিকে সমুদ্রে কইল গমন তার মধ্যে মহোৎসবে যে কইল ভজন অতিরে সবার হবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি অতিরে সবার হবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হরিদাস দর্শন হয় হইতে মহাশক্তি ধর্ম রাজ্য স্টার্ট হতে হয় শ্রদ্ধা কে পাইলে অধর্ম বিলাশ চলতে হয় শ্রদ্ধা কিস প্রকার হয় কৃষ্ণ ভক্তি করে সর্বধর্ম বিলাশ আপ লোক দিল্লি সে আতে তো হান্তি করতে 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 নাগর অতিক্রমণ করতে করতে এই বৃন্দাবন ऐसा वृंदावन मार्ग धर्म मार्ग है सत्संग बिना धर्म नहीं है श्रद्धा के बिना धर्म का आरंभ है सत्संग का धर्म का आधार क्या है जो कृष्ण के नहीं मानते मानो वो लोग हजारों देवता के उपासक हो चाहे हो चाहे ना हो कि ब्रह्म के उपासक हो वो धर्म राज्य में नहीं है धर्म राज्य में प्रवेश कर उनका देह है ধর্ম বলা নি ভগবান সর্বভেদময় তো ভগবান ভগবান সত্য কো বিচার করো ভগবান কোন হয় যে ছড়াই সত্য কে সাথ বিরাজ করতে বিলাস করতে হয় হরি হরি সত্য কো চল করতে বো নিরাকার নির্বিশেষ নেই হয় তো ভগবান সব কো মন ছিন লেতে হয় পাপ তাপ ধরি দুঃখ ছিন লেতে হয় ও হয় হরি ও হরি ধর্ম কা মূল হয় উনকে প্রতি যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও বিশ্বাস সে ধর্ম রাজ্য স্টার্ট হতে হয় পতে হতে 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 প্রেম রাজ্য মে প্রবেশ করতে তবে মঙ্গল এন সকতে ইসলিয়ে হম তো দেখতে হয় গুরু চরণ আশ্রয় পহলে গুরু চরণ সে परमात्म राज्य प्रकाशित होता है कहा पर भक्ति साहब जो चिंतन में कह दिया है आदो गुरु प्रदर्शन है आदो इसके पहले नहीं आदो गुरु प्रदर्शन है तस्मा कृष्ण दिशा निशिक्षण और विसंदेह न गुरु साधु वर्तमान तभी साधन पर करते तो हमारे परम पंच भक्ति सिद्धांत शब्द पुरुष ठाकुर की एक हस्त स्वरूप है हाथों से सब काम करते हैं ना तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शब्द की हाथ और आदर हजारों शिष्य है तो हजारों हाथ है उसमें थे जो चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट स्थापन करने के लिए आचार प्रचार विचार न तो है वो तो बड़े लंबे हाथ है जो लंबे हाथ से संसार में गिरे हुआ कहानी तो सब जितनी उठा देती है और कृष्ण के चरणारविंद में जुड़ा देती है मिला देती है वो हाथ इतना बड़ा है ते महाबाहु है तो महाबाहु केवल बलराम नहीं है नित्यानंद प्रभु महाभाव है और गुरुपाद प्रभु भी महाभाव है महामना है सांसारिक लोग सांसारिक जीव के लिए चिंता भावना करते हैं अरे गुरु वैष्णव लोग सारे दुनिया के जीव जाति के लिए चिंतन करते हैं सबको अपना मानते हैं सांसारिक लोग बोलते हैं हमारा है तुम्हारा है ये हमारा है तुम्हारा है बताते हैं संत लोग बताते हैं सब हमारा है सांदत है किस प्रकार आर चिंता तुम्हारा ऐसे सांदत है जैसे विदुत जी धृतराष्ट्र के पास जाती गई आप कुत्ते के मामी
या पर बैठ बैठ के बात खाते हैं, जिनके प्रति इतना अत्याचार किया है अब तक आपके पुत्र लोग, आप यह कर बैठ बैठ के कुत्ता के भांति अन्न खाते हैं, लज्जा तो होना चाहिए। तो देखो ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया, विवेक का दांत खुल गया। आवारे महाराज जी ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया, सब लोग तो मायावादी है, सब लोग बताते हैं जीव ही जीव है, सब लोग कहते हैं जीव शिवा ही ईश्वर शिवा है, जिन्हें प्रेम करे थे जन चैतन शिवजीश्वर के मौत लेके चलते हैं तो मानो ये दार बंद है, परमार्थ दार बंद है, वो परमार्थ नहीं देख सकते हैं। जो जीव को जीव मानते भगवान मानते तो पाषंड है, उनके लिए परमार्थ दार बंद है, परंतु महाराज ने ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया, एक बॉक्सिंग से दार खुल गया। जब खुल गया मुझे सुनाए सब समझ गया क्या हुआ, क्या हो रहा है, किसके बात सुनना चाहिए। तो ऐसे परम महापुरुष के शरणागति में कुछ परमिशन दिया हम लोग क्या चाहिए। बस तो पहले ही दर्शन महाराज वो के माध्यम से वीर रस के द्वारा प्रचार करने में भी तो होना ठीक है, प्रचार जो है निर्भीक होना है। निर्भीक कौन आए जो द्वैत प्रहलाद, जिनका द्वितीय विनेश नहीं है वो निर्भीक है, वो सही बात बन सकते हैं और सही बात से जिनका कल्याण होता है, जो सबको मनोरंजन की बात बताती है, मानो वो स्पीकर नहीं है वो फाटा रह रहे हैं, वो तो प्लान हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे अमी अमार श्री गुरुपाद पद्म जगद्गुरु श्री श्रील भक्ति सुधीर आचार्य श्री महाराज श्री चरण दंड वंदनम सभा सभापति महाशय उपस्थित सन्यासी वृंद एवं भक्तवृंद चरण दंड यथाजग्य प्रणति। आज जी महापुरुषि शुभादि शुभ योभा तिथि बड़ा नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक अन्यतम पार्षद प्रवर श्रील श्रीरूप सिद्धांति गोस्वी महाराज श्री चरण दंडे अनंतम प्रणाम। आज जे धर्मसभा দুই চারটি বাণী পুষ্পাঞ্জলি বেদনে আমার মতো এইরকম নগণ্য সুযোগ পেয়েছে, তার সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপারূপে সেই আমাদের ভক্তি সর্বস্ব গোবিন্দ মহারাজের রবীন্দ্রচন্দ্রে আমার বিশেষ প্রণাম। উনি আমাকে স্নেহ করেন, আজও একটি সুযোগ প্রদান করেছেন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে। আজ যে মহাপুরুষের শুভাতিশুভ গিরভাব তিথি করা আমরা সবাই শ্রবণ করলাম, যে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ নাম দিয়েছিলেন সিদ্ধ স্বরূপ ব্রহ্মচারী। আবার এই সিদ্ধ স্বরূপের যে বাগ্মিতা, তার যে সরলতা, তার যে সিদ্ধান্ত জ্ঞান এবং সেবা সৌষ্ঠবতা, সেই
ভাব সমূহকে দর্শন করে জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি জানতেন ইনি অপরের পরম মঙ্গল সাধনে ব্রতী হবেন, আর এনার যে উপদেশ যা অপরের মহামঙ্গল সাধন করবে তাই জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সিদ্ধস্বরূপ দ্বার ব্রহ্মচারীকে একটি উপাধি দিয়েছিলেন উপদেশক। এরপর শ্রীচৈতন্য প্রচারিণী সভাতে তিনি একবার মহা উপদেশক উপাধি দেন। তার যে বাগ্মিতা এবং প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রের যে সুসিদ্ধান্ত এমনই সেই রসালো এবং সিদ্ধান্তপূর্ণ কথামৃত পরিবেশন করতেন এবং সকলকে মুগ্ধ করে সেই পরাবরেশ জায়তের রতি ঘটিয়ে দিতেন, তাই প্রভুপাদ তাকে বিদ্যা বাগীশ উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ মহারাজ গুরুতত্ত্বের কথা বললেন হৃদয়টা সেই কৃষিত হৃদয়ে বাড়িপাতের ন্যায়, কেমন যে পরমেশ্বর ভগবান যে ভগবানকে আরাধনা করব, যে ভগবানের নিরাজন করব, যে ভগবানের তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করব, যে ভগবানকে আমি প্রাণারাম প্রাণপ্রদীপ রূপে জানব, যিনি আমার গতি, যিনি আমার ভর্তা, যিনি আমার সাক্ষী, যিনি আমার শরীর, যিনি আমার ইহকাল পরকালের বান্ধব, সেই চরম পরম যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আগে যে শুনলাম যে শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্বকর্ম কৃত হয়, কৃষ্ণে ভক্তি না করিলে সর্বকার্যে সমাধান হচ্ছে, তাই ওই যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণে আমি ভক্তি যাজন করব, সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করব, তার অবিচিন্ত যে লীলাকল্লোল বারিধি তার মধ্যে আমার প্রবেশ হবে এ তো অসম্ভব, কারণ মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞানী নাই, তাইলে সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ হবে কি করে, অসম্ভব। কিন্তু ওই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ যার সামান্যতম কৃপা হেলন, যার সামান্যতম কৃপা দৃষ্টিতে, যার সামান্যতম দয়া দাক্ষিণ্যে ওই পরমেশ্বর ভগবানের যে নামামৃত লীলামৃত গুণামৃত ভাবনামৃত চিন্তামৃত রসামৃত প্রসাদামৃতের মধ্যে অতি সহজ সরলভাবে প্রবেশ অধিকার হয়, তিনি জগৎ বরেণ্য প্রপূজ্য চরণ শ্রী শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। তাই এইখানে শ্রী গুরুপাদ পদ্ম শ্রী চরণ দ্বন্দ্বে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে নিয়েছি, আমি একটা পাঠ করে শেষ করব, কারণ শুনবো আমি শুভ আশীর কৃষ্ণ ষষ্ঠী ব্যাসের পূজন, যিনি মদের সর্বারাধ্য শ্রেষ্ঠ মহাজন, তারি আজ তিরোভাবে ধ্বনিত মঙ্গল বন্দি শ্রীল শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি প্রভুর চরণ। প্রভুপাদের বরপুত্র দ্বৈতরাধার বিশ্বমাজে আরাধিত শ্রেষ্ঠ সবাকার, অপ্রাকৃত সিদ্ধ স্বরূপ নামটি ধারণ করে গুরুমনভীষ্ট পূরণ করলেন সেবাদারি। প্রভুপাদ প্রভুপাদ বলে কান্তের তুমি জগৎগুরু প্রভুপাদ তব সাধ্য শিরোমন, গুরু শিষ্যের জীবন স্মরণ রত্ন ধন, গুরুচরণ চিন্তন শিষ্যের প্রেম রতন। শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি প্রভু অনুকুলার রাধা, তব নাম উচ্চারণে যাবে ভজন বাধা, তিরোভাব তিথি মোরা তব নাম গাই, তব কৃপায় পাব মোরা গৌরমিতাই। ওহে শান্ত ওহে দান্ত ওহে সারা সার কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি দ্বৈত রাধার,
নাম রূপ গুণগানে সদাই মগন সাধ্য সাধন নাম প্রেম প্রয়োজন তব নিরভার তিথি পালি শ্রীরাধা বিনোদ গৌরীর মঠে বসি গোবিন্দ শ্রীধর মহারাজ শনি সকলের কৃপা শিষে মঠ প্রাঙ্গন আনন্দে নাচি নরসিংহ কান্দে সঙ্গে চন্দ্র দুর্ভ পুষ্প মাল্যে পূজিব তোমায় ক্ষমা করো দয়া করো কহি দয়াময় বাঞ্ছা কলকাতারি ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যম সে গুরুপাত্মে গৃহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সে বাংলি পুষ্পাঞ্জলি কেবল পেট সে দু ফুল লেগে फेंक देने से पुष्पांजलि नहीं होता है, हमको पुष्पांजलि अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना केवल बाघ से नहीं केवल हाथ से नहीं केवल दब से नहीं परंतु अंदर से होना चाहिए। आंतरिकता क्या है? ममता, गुरु वैष्णव के प्रति ममता से धर्मोदय होता है। आज महाराज उनके चरणारविंद में पुष्पांजलि प्रदान किया है। अभी Offer my prostrate obeisances to my divine spiritual master, Bhakti Bhakti Kumati. Next, in the mood of Siksha Guru, former Siksha Guru, His Divine Grace, Sri Srirupa Siddhanti Maharaj, I offer my prostrate obeisances and seek His blessings on the Tirubhakti, the disappeared state. So, respected sannyasis, His Holiness Srila Bhakti Govinda Maharaj, my obeisances, Srila Bhakti Veranda Sridhar Maharaj, and all other sannyasis. Let me terribly present my obeisances. Actually, I did not come here to speak, but since because of Maharaj, he asked me to speak. In fact, I did remember in the teachings of Srila Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaj, he once mentioned that without the blessing of the spiritual master, one cannot understand or fully understand his teachings or his identity. So in this respect, who am I to say? How am I to glorify when I myself are incapable of? So anyway, I have read of His glories. Bhakti Srirupa Siddhanti, in this sense, means He is fully fledged in devotional conclusions. Siddhanti. Actually, Sri Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu also mentioned that one should not be lazy in understanding spiritual conclusions, devotional conclusions of the scripture. So in this sense, His Divine Grace of Bhakti Siddhanti Maharaj has proved Himself. In fact, once in His room, when He was a brahmachari, when He was Srirupa Siddha brahmachari, he had the opportunity to go to Bangladesh, and there he did mention that Srila Vivekananda, the philosophy of Vivekananda was not actually proper. So this, in fact, when he mentioned this,
actually those people all suffered on Sri Vivekananda, Ramakrishna Mission. It caused an uproar and upheaval. And this reached the ears of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. In fact, Srila Prabhupada was actually, was nonplussed. He was actually quite happy. He said, no, what nobody had done for a long time, for such a long time, Brahmachari, Srila Brahmachari has completely fulfilled my task, actually, in that respect. So, in fact, he did go to Bangladesh. And then he, in fact, consolidated, pacified those people there by completely giving a full definition of the deep understanding of devotional scriptures. By pacified them. So that was not the only achievement. In fact, Siddhanti Maharaj, which he had achieved in our scripture, Vedic scripture, Shruti is more accepted in the society, among the Pandits, Shruti. So in this respect, Shruti, he, the Divine Siddhanti Maharaj, in fact, compiled very, very interesting work called Govinda Bhasya, which is actually the delineation of the Vedanta Sutra, Brahma Sutra, Vedanta Sutra, Shruti Vakya. And actually this is accepted by all the sampradayas. This is actually a very effulgent work that in fact uplifted our sampradaya. This work, Govinda Bhasya, uplifted, done by Bhaktivedanta Bhushan, but he translated this in Bengali again. And among our Guru, what did he translate this Bengali? This is Govinda Bhasya, Sruti Bhakya. Not only that, many other treatises on Upanishads, in fact, certain other parts of scripture was also compiled by him, Shri Bhakti Rupa Siddhanti Maharaj. And actually he, I understand, when he first came to the mart, he actually had a very deep connection with whom he considered Siksha Guru, Shri Bhakti Vivek Bharati Maharaj. This is mentioned, he had very great connection with Shri Bhakti Vivek Bharati Maharaj. And in fact, he was actually brought in the fold by the grace, the divine grace of Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Sridhar Maharaj also actually has mentioned, Maharaj has mentioned in his, he was actually awarded the title of Upadeksha by Srila Prabhupada himself because of his literary quality, his writing of literary works, very simply giving an understanding of the scriptures. He actually had this very great capability, Srila Bhakti Siddhanti Maharaj. So actually the Guru, in fact, I remember most of his writings. When he gave a set of writings for the mart, most of his writings were based on the subject of Guru. Actually, the basis of all spiritual foundation is Guru. So in that he says, many of his words were implied that the devotion to Guru is our only, is the only way by which we can achieve the Supreme Lord. And so like that, so many verses were compiled by him regarding Sri Guru. So this is actually illustrating his devotional, his gurutva, and his spiritual, as a spiritual mentor. So anyway, there is many things I like to say, but anyway, there are many other people to speak, so I will stop this one chat. Koyak Vishesh Saritra ko ullekh karte hain, hamare Damodar Maharaj, उनके चरण गुरुजी के चरण आराधना में पुष्पांजलि प्रदान किए और गौड़ी भाष्य वेदांत क्षेत्र में गौड़ी भाष्य तो बौद्धिक विद्या प्रसंग का है परंतु सब लोग तो मूर्ख है संस्कृत तो कौन जानते हैं बांग्ला भी नहीं पढ़ सकते हैं देखो संतों के घर में वेदांत सूत्र आएगी जो लोग संत लोगों के संतर में गुरुवर के सबको समझाते हैं उन लोग के घर में वेदांत सूत्र आएगी उपनिषद आएगी बहुत से लोग नहीं आंख से नहीं देखा मेनली जो एकादश उपनिषद और गोपाल तपनी उपनिषद हमारे गौड़ी वैष्णव लोग तो मानते हैं जिनसे कोट करके वेदांत सूत्र रचना किया है वो सब नहीं देखा परंतु गुरु बन गया
ये जब शास्त्र राशन शास्त्र है ये शास्त्र के बिना शब्दादि सत्य शब्द परे तो निष्ठतम ब्रह्मानुपश्वास्त्रम केवल बताने से नहीं बात से नहीं आचरण तो होना चाहिए उसके चरित्र होना देखना चाहिए तो बाना जो वो चरित्र है एक से काम किया है कि कोड़ी संप्रदाय लोग सब रहा आगे पहले ही तो मंदिर भजन के लिए रात किया है कि वेदांत सूत्र नहीं पढ़ते हैं उपनिषद भी नहीं पढ़ते हैं आनंद उपाधि बता दिया ये क्या हो रहा है सर और राधा कुंड के पंडित जी बताते क्या हो रहा है उपनिषद नहीं पढ़ते हैं गीता वाग्वाद नहीं पढ़ते हैं वो भक्ति वो राधा रस सुधा नदी पढ़ती है तो कैसे समझ पाए वो रस में प्रवेश अधिकार ही नहीं होगा इसीलिए प्राकृत प्राकृत सहजता बांधती है मोटर बात से खंडन किया तो मेरा निवास कर्तव्य है यहाँ अध्ययन कर्तव्य है पहले तो नियम तलाओ नियम करो उसके बाद बिल्डिंग बनाओ बिना नियम के बिल्डिंग बेचो ऐसे नियम पे लगाओ पहले फाउंडेशन दो सात तला बिल्डिंग जब जहाँ पर होना है तो वैसे कितना नियम देना चाहिए बताओ श्रद्धा सर्वचंद अनर्थ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम इतने बड़े बिल्डिंग उठाना चाहिए तो फाउंडेशन तो ज्यादा सुविधा होना चाहिए फाउंडेशन क्या है शास्त्र सिद्धांत वेद वेदांत उपनिषद ये तीन जो तीन दंत है वो गुरु न्याय प्रस्थान स्तुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान तीनों प्रामाणिक शास्त्र तीन शास्त्र में जो अभिज्ञ है वही गुरु इसके अतिरिक्त और भक्ति तुम्हारे है हमारे महाराज ये चरणारविंद ने पुष्पांजलि पूजन किया है हमें हमारे महाराज जी को पुष्पांजलि प्रदान करने की के लिए हम अनुरोध जनाता हूँ महाराज जी दे दो तो पढ़ाई किया है आदित्य नदी जी कृष्ण को वंदेहं श्रीगुरु श्रीवत्सलकमलं श्रीरूपं सहगजातं सहगणारघुनाथं विनन्दं साद्वैतं सावधूतं वर्जनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखामिदं च नमांशपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगिरिनामिने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोदयामुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषण श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मैंने जहाँ तक रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का इधर उधर अनेक संतों से जो सुना है उसके बारे में बताऊं उनको गौड़ीय डिक्शनरी कहा करते थे उनका जो नाम है श्री रूप सिद्धांत सिद्धांति गोस्वामी अभी इसमें नाम में क्या नहीं है सब कुछ है श्री मतलब राधा रानी रूप मतलब रूप गोस्वामी जो राधा रानी के रूप गोस्वामी है उनके हैं कौन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के कौन है तो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी है तो गुरुवर्ग जो नाम देते हैं उनमें अनेक चीजें होती है उसमें सब कुछ कृपा होता है और ये वैष्णव धर्म सिर्फ कृपा ही केवल हम पर निर्भर है आज हम लोग अनेक भजन गाते भक्ति विनोद ठाकुर के नरोत्तम दास ठाकुर के हाँ
तो उसमें अनेक याचना ही याचना है और कृपा ही कृपा है. तो इस प्रकार से हम लोग कहते ना, यदि गोस्वामी वर्ग नहीं होते तो महाप्रभु को कौन जाता. तो उसी प्रकार से प्रभुपाद के गण एक एक धुरंधर है. हम बोलते हैं डेली सवेरे, है कि नहीं. तो अभी धुरंधर है तो उनको जानने के लिए भी तो कृपा ही चाहिए. तो सिद्ध स्वरूप कृपालु है, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कृपालु है, इसीलिए उनकी कृपा से ही उन्हें आप जान सकते. जो श्रुति स्मृति पुराण, जैसे कहते हैं भागवत में एक शब्द है, जैसे अभी महाराज दामोदर महाराज जी बताए कि वो उनको सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचर्य भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भारती महाराज जी को ज्यादा उनके शिक्षक गुरु के रूप में. अभी ये भारती शब्द में भी कितना भारतीय शब्द क्या है, भागवत रस तत्व, तत्व मतलब फिर सिद्धांत ही आ गए. अभी सिद्धांत प्रभुपाद के सभी गण जानते हैं भक्ति सिद्धांत गोस्वामी कौन है. अरे ऋचुबाद सुतार दईतान फिर हम तो कहते ही है. तो इस प्रकार से महाप्रभु ये वैदिक ब्राह्मण थे, नित्यानंद प्रभु के राड़ीय ब्राह्मण थे या उनके पूर्वज भी, अद्वैत आचार्य ये भी जो है वो आर्येन्द्र ब्राह्मण थे, और प्रभुपाद के गण में अनेक धुरंधर ऐसे थे कि ब्राह्मण गण के भक्ति वेद माधव महाराज, भक्ति प्रमोद प्रणवानंद ब्रह्मचारी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये सभी धुरंधर थे. और सत्य सनातन धर्म भी गो ब्राह्मण ने हितायत पर भी निर्भर है. जो श्रुति स्मृति कृष्ण भागवत में कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम भगवत के धर्म ज्ञान आदि सर कलो दिशा पुराण पुरुष क्या है, वो भागवत है. तो एक ग्रंथ भागवत है और एक व्यक्ति भागवत है. जब हम व्यक्ति भागवत को जानना चाहते हैं तो भी ग्रंथ भागवत ही मदद करता है. ग्रंथ भागवत को जानना चाहते हैं तो व्यक्ति भागवत जो है स्वयं आ जाते हैं या नाम कृपा करता है. तो इस प्रकार से ये सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी हरिदास ठाकुर नामनिष्ठ आचार्य कहते हैं. तो ये भक्ति में सिद्ध है. भक्ति में सिद्ध मतलब उनको दृष्टि है. जैसे एक रामायण में कथा है कि राम जी ने गरुड़ जी का पहले ये कर दिया, जो जटायु था उसका श्राद्ध करके उसके बाद देखा तो वहां पर एक संपाती बोल के था, तो उसको भी गोद में लिया. तो संपाती ने कहा कि देखो मेरे को अभी भी दिखाई देता है कि सीता कहाँ बैठी है, अशोक वाटिका भी दिखाई. तो ऐसे हमारे गुरुवर्ग सब जो प्रभुपाद के गण है इनको दिखाई देता है. इसलिए हम लोग प्रथम ही वाक्य में क्या कहते हैं, ज्ञान अधिवेदांतस्य ज्ञानाञ्जय. तो गुरुवर्ग हमें रास्ता दिखाते. अभी हम नहीं माने उनका रास्ता तो वो बात अलग है. तो इसीलिए सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी एक गौड़ीय डिक्शनरी है. उन्होंने कई लॉ नियम उनके मंदिरों में भी, हम पुरी में भी गए थे, महाराज जी बहुत कथा चक्र सुनाते थे श्रीधर महाराज जी सुधर. तो वहाँ हर चीज जो है वो जैसे बच्चे को सिखाते थे ना, एक वो है वो है नहीं तो क्या आ बोल दोगे. अभी आपका भी होता है आ और भी चीजों का होता है. अभी आ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा कि क्या बता रहे. तो उसी प्रकार से श्रुति स्मृति पुराण किसको समझ में नहीं आता, इतना आसान नहीं है. रूप गोस्वामी के उज्ज्वल निर्वाण या रूप गोस्वामी की टीकाएं कल्पद्रुपद्रुपी अनेक राग चमत्कार ग्रंथ, ये सब साधारण लोगों के बस की बात नहीं है. लेकिन रूप सिद्धांती अपना महाराज जी जो है ये उन्होंने सरल कर दिया कि तुम देखो भाई ऐसा है श्रीमद राधा रानी इस प्रकार बिंदु कला. तो अनेक ग्रंथों को तो वो जो साधारण भाषा जैसे भक्ति विनोद की भजनावली है या नारद दास ठाकुर की भजना, ये सभी आचार्य की भजनावली तो है ही है, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या है तो वो समझाने के लिए उन्होंने सरल भाषा, इसलिए वो क्या है डिक्शनरी है, वो सब लिख के दिए हम लोग. तो हम उनके अनुगत में आगमन करके भी चलेंगे तो फिर उनकी कृपा मिलेगी. आज मैं थोड़ी सी बात इस बात में
Acha. Murad, Swami, Swami, Dhanandani, Gauri Marke, Maharaj, Swami, Navin Kishnan Pandari, Okay. Siksha Guru Ki Tarnara Guru Ne, Aspandari Pradhan Kare. Guru Gurudeva Chandraya Radhikaya Padale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namaha Kancha Kalpatar Bhasa Kripa Siddhi Kitanal Paule Guru Prasanri Asmadhyo Sigurupatam Bhagavani Rahimata Kajiku Samadhyo O Vishnu Panitra Mavishta Paramu Sastatra Sakasimai Bhakti Lita Madhya Vishta Mavani Sastanya Panamdha Kriya Kajiku Kajiku Svavatam Vasadhyaya Vashtam Dinda Matavgi Sadhuni Adar Kattam Sankasi आज जो स्थिति को उपलक्ष्य करते हुए हम लोग समझाया बातचीत जरूरी है हमारे सामने हम लोग के सामने एक आदरणीय मरणीय आशीर्वाद सूचक स्थिति उपस्थित हुई है इतना विष्णु का हम सस्त सीमा भक्ति और सिद्धांत के श्री महाराज कृष्ण विरभाति की महाशक्ति मनाने जाता है उनके पास करने मैंने शास्त्रांग धन्यवाद करते हुए दो चार शब्द तेरा पुष्पांग अर्पण करने के लिए प्यार करता हूँ उनका आशीर्वाद भी प्रार्थना करता हूँ महाराज के संबंध से मैं तो बहुत बहुत कुछ कहा है जितना उनको कृपा मिला इतना मैं बोलने के लिए प्रयास किया है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु धीरे दया करी सपार्श्वत शिव धाम सहरत करी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतार का साधन में उनका पार्श्वत का साधन में शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए निकुंज स्वर वस्तु का साधन करने के लिए श्री महाप्रभु जी पार्श्वत का साथ में जीव को कल्याण के लिए अवतीर्ण होंगे समस्त अवतार का अवतारी अवतीर्ण होंगे ठीक इसी प्रकार जिस समय विश्व जगत में घोर अंधकार था जो चैतन्य महाप्रभु को शुद्ध वस्तु को जानते नहीं थे इस वस्तु को देने के लिए जगत गुरु सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और उनका पार्षद का साधने नित्य व्यवस्थी जगत सी जगत इसलिए उनका जितना ज्ञान है सभी नित्य पार्षद नित्य नित्य गोलोक वृंदावन स्थिति है उन्हीं का पार्षद का अंदर में आज जिस तिथि को हम मनाने जाते हैं जा रहा हूँ फिर चपाल भक्ति सिद्धांत की सरस्वती भक्ति ऋषि सिद्धांत महाराज चक्र वास्तविक एक निर्भीक तेजस्वी और शुद्ध वस्तु को देने के लिए एक विस्फोट आचार्य रूप से गोपाल जी को सिखा दिया था जिस समय वेदानंद जी का कर्म मार्ग में विचरण करते समस्त देश
एक तो विभूत हो गया था ठीक उसी समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी सिद्धांत श्री सिद्धांत महाराज का आगमन उन्होंने ढाका में जिस प्रकार से परिस्थिति था उस परिस्थिति अवस्था में जो कर्म मार्गों को बहुत बड़ी प्रचार चल रहा था वहां विश्व आचार्य सिद्धांत महाराज ने इसलिए उनको पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण के विशेष है सिद्धांत भक्ति सिद्धांत और सिद्धांत वस्तु को जिसमें बोलना संन्यास जैसा बधाई मार भक्ति नहीं महाराज कौन सा भक्ति पूज्यपाद नील महाराज जी उनसे संन्यास लिया है ना भारतीय से लिया अरे बदन मार से लिया भारतीय मार से नहीं लिया तो उन्होंने एक चीज मैंने देखा है जितना प्रभुपाद जी का जल है उनने अपना गुरु भाई को जो संन्यास देता था ना खूब विचक्षण का साथ उनको पद भी देता था विशेषण देता था जैसे हमारे गुरु महाराज का नाम भक्ति द्वैत द्वैत शब्द राधे द्वैत माधव द्वैत राधे कौन है माधव का द्वैत है इसी द्वैत शब्द का विशेष ये शब्द है इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत शिव सिद्धांत महाराज जो दिया है जो प्रभुपाद जी का सिद्धांत विशेषण है यह सिद्धांति विशेष पद को लगाए सिद्धांति विशेष पद है सिद्धांति विशेषण पद है तो सिद्धांत को मतलब प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत वस्तु को विश्व जगत में रूप देने के लिए भक्ति और सिद्धांत महाराज का नाम दिया था पूज्यपाद बधाई महाराज एक बहुत बुरी वस्तु है उस समय जिस परिस्थिति था पूज्यपाद भक्ति का चित्त महाराज कह रहा है अरे ढाका में ऐसा परिस्थिति करके आया हम लोग का तो प्रचार ही बंद हो जाए रूपा लाखों रुपया का काम करके आया क्या विशेष रूपा का महान पर्व आचार्य है लाखों रुपये का काम करके आया तुम क्या बोलता तुम्हारे प्रचार प्रचार बढ़ेगा इससे प्रचार आगे बढ़ेगा तो इसका बाद में देखो ज्यादा भूलना नहीं चाहिए समय विचार है सभी लोग भूलेगा बहुत बड़े एक काम कर एक बहुत बड़े वस्तु दे के दिया प्रभुपाद का समय में जो गोविंद भाष्य का जो वेदांत है वो छापा नहीं था महाराज जी ने पूज्यपाद भक्ति श्रुति महाराज उसमें बहुत बड़े पंडित थे प्रभुपाद का समय उनको लेके महाराज जी ने वेदांत भाष्य का जो गोविंद भाष्य उन्होंने छपाया तो गोविंद भाष्य बाद में क्या है जब जयपुर में गोविंद का पास में राधानी को हटा करके रुक्मिणी को बैठे रुक्मिणी के बैठने से फिर वहां का जितना गौरी वैष्णव से आपत्ति उठाया राजा से फिर तुम्हारे तुम लोग अपना विचार का प्रदर्शन करो राधानी का बैठा देगा तो उस समय वहां से जयपुर से जब यहाँ आया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस समय मैं तो जा नहीं सकता यहाँ से तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का आशीष बलदेव विष्णु को भेज दिया था जयपुर में जा सिद्धांत स्थापन करके रुक्मिणी का पास हटा करके राधानी को बिठा जी गोविंद का पास में राधा रानी रहेगा
गोविंद से भजन नंदन कृष्ण है, द्वारका देश कृष्ण नहीं है। द्वारका गोविंद के पास में कौन रहेगा? राधा रहेगा, उसका रीता है, श्रेष्ठा है, गोपियों का श्रेष्ठा है और कृष्ण का बल्लभा है, श्रेष्ठ बल्लभा। तो उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण जाके तो उन लोग का बोला तुम्हारे भाष्य कहाँ है? रामानंद मंत्र विश्वचारी संप्रदाय का भाष्य है, आचार्य भाष्य लेकर दिया, जब तक वेदांत को भाष्य नहीं है हम लोग तर्क नहीं कर सकते, आपसे आलोचना नहीं कर सकता। ठीक उसी समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु गोविंद दर्शन करके आकर ने जब प्रणाम किया, उनको गले की माला अपना खुद भी गिर किया, पुजारी लोग उनको गले माला दिया। पहाड़ में जाके उस वेदांत एक सप्ताह के अंदर में गोविंद भाष्य, अच्छा वेदांत गोविंद भाष्य लिखा, लिखने के पास फिर दोनों संप्रदाय में तर्क हुआ, तर्क में पराजय करके रघुनी का हटा करके राधा ने बैठा किया। ये बहुत बड़ा एक ये वेदांत जो गोविंद भाष्य का पहले छापा नहीं था, महाराज जी बहुत बड़े वस्तु हमारे संप्रदाय की वस्तु के लिए। मैं आगे नहीं मानना चाहिए तो मैं सबसे पर आज का दुखी हो रहा हूँ कि आज समस्त विश्व जगत में प्रभुपाद प्रभुपाद का जन आज सारा विश्व में आँख खुला के गया, सबका आँख बंद था, शुद्ध सिद्धांत शुद्ध भक्ति का विचार को देखे गया। आज हम आंखों में देख रहा हूँ कुछ बात शायद नारायण महाराज रहने से आज आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बहुत बड़ी प्रतिवाद हो जाता था, हमने जीत सकता था। आज विदेशी लोग इस्कन वाला सभी ये राधा बल्लभ संप्रदाय से क्या कौन है उसको सब दिखा देने की जा रहा है। अरे हमारे संप्रदाय में ये नहीं है, उसको कभी भाग नहीं दे सकता है, उनको योग्यता नहीं है। अरे तुम पहले अनर्थ निवृत्त करो, तुम्हारे अनर्थ भाग लिया तुम्हारे, पहले सरना भाग देखो, भक्ति में शरणागति में क्या कीर्तन करता है, तुम्हारे शरणागति कहाँ है, तुम्हारे आत्मनिवेदन कहाँ, तुम्हारे अंदर में जहाँ आत्मनिवेदन नहीं शरणागति नहीं है, तुम्हारा अर्थ नहीं लिया, अब तुम निकुंज सेवा करने चले जाओगे, फालतू बात है, कभी नहीं मिल सकते उनको। हमारे संप्रदाय में निष्ठा है, हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े वस्तु है, उस वस्तु को लेने के लिए हमको योग्यता न अर्चन करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जो गौड़ीय संप्रदाय में चाहे कुछ हमारे कुछ कमी रहे परंतु वस्तु तो हमको मिला, प्रभुपाद इसके जिम्मेदार है, हमारे गुरुवर्ग इसके जिम्मेदार समझ करके अपने भजन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करती हूँ उनके चरण में विश्वानी दी हमारे कथा का विश्व लेता हूँ मंच के पास गोविंद भाष्य प्रकाशित होने के बाद गोविंद भाष्य को प्रकाश करने वाला कौन है? समाज में हिंदू समाज में तो ब्राह्मण लोग भी मूर्ख है, मंत्र भूलभाल पढ़ते हैं, वेद तो आग में आग से कभी नहीं देखा, तो लोग वेदांत भाष्य को प्रकाश करने का करने में तो समर्थ नहीं है। तो सिद्ध रूपी एक कर सकते हैं, जो असिद्ध रूप है वो एक काम नहीं कर सकते है। मर्म तो वही जानते है, जैसे भगवान का मर्म सभी लोग जानते है, भगवान कहते हैं मन महात्मन मनोगतम, हमारे हमारे महात्म मनगत भाव को वो भी लोग जानते है, इसीलिए वो एक गोपी है जो गोपी प्रकाश किया गोविंद भाष्य को अनुवाद करके ट्रांसलेशन करके समझा तो उनके शरणार्थी में अरे जीत कृष्ण प्रभु शरी प्रवचन कर 10 मिनट करो Thank you.
Omagyanatimirandasya Gyananjani Salakaya Chakshuru Namilitam Yena Tasmai Ishi Gurubhinama Panchakalpatrupasya Kripasindu Vaivacha Patitanam Pavanibhu Vaishnavaye Bhunamu Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद सभापति महोदय, समस्त दंडी पादगण, ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णव सभी सभी प्रणाम करता हूँ और सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूपराज की प्रिय जन हमारे गौड़ीय वैष्णव जो गुरु परंपरा में जो भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी गुरु भक्ति मना रहे, जैसे कि महाराज जी से हमारे सभापति महोदय बता रहे थे, वैष्णव का जो आविर्भाव तिथि है और त्रिभाव तिथि है, ये भगवान से भी ज्यादा, भगवान की जो जन्मदिन होता है, आविर्भाव तिथि होती है, भगवान से प्रकट लीला करते हैं, परंतु वैष्णव जो कृपा करने के दो लीला करते हैं, आविर्भाव लीला और त्रिभाव लीला। और ये त्रिभाव लीला सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद होती है। कैसे? ये जो वैष्णव जनों की त्रिभाव तिथि है, जो पथभ्रष्ट जीव है, पथभ्रष्ट जीवों को पथ मार्गदर्शन करती है, और शरणागत जीव है जो शरणागत जीवों को उल्लास प्रदान करती है, विरह प्रदान करती है और सेवा को प्रदान करती है। और जो व्यक्ति इस मार्ग से गुरु के मार्ग गुरुवर्गो के मार्ग से जो भूले गए हैं उनको ये शासन करती है और शासन करके सही मार्ग पर लाती है। तो त्रिभाव तिथि के बहुत प्रकार के वैशिष्ट्य हैं। जब जब गुरुवर्ग की त्रिभाव तिथि आएगी हम उनको स्मरण करेंगे और देखें उनका आदर्श चरित्र, उनका जीवन चरित्र कैसे हमको शासन कर रहा है, कैसे हमको पथ मार्ग पर प्रतिष्ठित कर रहा है और शरणागत को कैसे विरह हो रहा है। तो इसके भक्ति सिद्धांत रूपराज ने कई प्रकार के वैशिष्ट्य बताए। उसी तिथि को हम मनाने जा रहे हैं। महाराज जी भी एक बात बता रहे थे, ये हृदय से होनी चाहिए पुष्पांजलि जी, जिनके साथ स्नेह ममता प्रीति है वो, परंतु मैंने कभी उनको देखा भी नहीं और उनके मुख से सुना भी नहीं, परंतु हमारे गुरुदेव परम आराध्य तम विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कार्तिक महीने में हर साल 15-20 साल से उनके आविर्भाव तिथि आती है। महाराज जी बड़े ही सुंदर, उनकी सुंदर सुंदर घटनाएं बताते थे, वो मेरे को स्मरण आ रही है। उन्हीं को मैं स्रोत पंथा का अवलंबन करते हुए, जैसे रूप गोस्वामी को देखा नहीं है, स्रोत पंथा से करते करते हम रूप गोस्वामी को पुष्पांजलि देते, चैतन्य महाप्रभु को देते, ऐसे ही उनके चरणों में गुरु जी का आश्रय लेते, स्रोत पंथा का आश्रय लेते, मैं उनकी दो तीन घटना का स्मरण करते उनके चरणों में पुष्पांजलि देने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव बता देते श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के ऊपर बड़ा ही ऋण है और मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज के साथ बड़ा ही स्नेह में संबंध है। तो गुरुदेव बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं बताते थे। जब हमारे मेरे गुरुपाद उनके मठ में जाते थे, बड़ा ही सुंदर मठ था, चित्र विचित्र आदि आदि, महाप्रभु की लीला, राम जी की लीला, कृष्ण की लीला, और मैं भी स्वयं जब प्रसाद पाने जब जाता था तो बड़ा सुंदर प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद बनता मठ में, महाराज जी इतना सुंदर प्रसाद बनाते, एकाशी का प्रसाद आदि आदि प्रसाद, उस प्रसाद को जो भी ग्रहण कर लेता था सब उनकी महिमा का गान करते थे। और महाराज जी बड़े ही सेवा उन्मुख थे,
एक बार क्या हुआ, मेरे गुरुदेव विनोद ब्रह्मचारी और सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी दोनों भक्ति सिद्धांत कृपा जी की प्राण देकर इन्होंने सेवा की। जब भी हम कभी सब्जी लेने के लिए जाते थे मार्केट में ठाकुर जी के लिए भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते तो बहुत सारे भिक्षा ग्रहण करके लाते थे, तो एक सब्जी का बहुत बड़ा बोरा था, एक छोटा बोरा था। तो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कहते मैं बड़े को उठाऊंगा, महाराज जी बोले नहीं मैं इसको उठाऊंगा। तो बोले देखो तुम तो मैं देखो मैं बड़ा हूँ ना, बोले देखो आप तो पतले हो मैं मोटा हूँ ना। भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी बहुत मोटे तकड़े आदमी थे। तो मतलब सेवा की करने के लिए वैष्णव कष्ट ना हो, सारी सेवा हम ग्रहण करें, तो बड़ी प्रीति में बड़ा इसमें होता था। तो गुरुदेव इन घटनाओं को बताते गदगद हो जाते थे कैसे वो सेवा करते थे। और जब हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गुरुदेव बता रहे थे जब अप्रकट हो गए तो उस समय पर हम लोग निरुत्साहित हो गए। और क्या हुआ, उस समय भक्ति श्री रूप सिद्धांत महाराज जी आए और हमारी गौड़ीय विधान समिति को संवारा और कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा और किस मार्ग से कैसे कैसे समिति चलेगी। बीच बीच में मेरे को स्मरण करना, मैं जितना भी समय होगा मैं आऊँगा, आप लोगों की सहायता करूँगा। इस बात को स्मरण करके गुरुदेव गदगद हो जाते थे, कहते हम जीवन भर इनके ऋणी रहेंगे। तो हमारे गुरुदेव कहते थे तो हम भी कृपा जी के आशीर्वाद के सभी ऋणी रहेंगे। और महाराज जी एक बात बोलते थे, हमारे महाराज जी भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की बड़ी सुंदर सुंदर उपदेशावली है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें दो तीन बहुत सुंदर उपदेश है, परंतु समय कम है, एक दो उपदेश को मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाराज जी बताते थे जब तक कोई शुद्ध शरणागत और सरल चित हृदय नहीं होगा तब तक गुरुपाद की लीला और गुरुदेव उसके हृदय में स्फुरित नहीं होंगे। शरणागत जीव के सरल चित हृदय में ही गुरुदेव स्फुरित होते हैं। और महाराज जी बताते थे गुरुदेव के जाने के बाद सद शिष्य कोई वास्तविक सेवा वृत्ति की प्रकाशित होता है, गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद की सेवक में कितनी सेवा वृत्ति है। और एक बात महाराज जी भक्ति नित्य लीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज इनको शिक्षा गुरु मानते थे, प्राण देकर जैसे दीक्षा गुरु मानते प्रभुपाद जी की तरह इनको सम्मान करते थे। एक समय महाराज जी ने इनको बड़ा स्नेहपूर्ण शासन किया, बड़ा डांटते थे। तो उस समय प्रभुपाद जी ने इनको पूछा भिक्षा करने के लिए प्रचार करने के लिए तुम किसके साथ जाओगे, बोले मैं पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा वो इतना शासन करते हैं अब तुम उनके साथ फिर भी जाओगे, कहते हैं वो मेरे पे कृपा करके शासन करते हैं। और जब जो कोई गुरुवर कोई महापुरुष या सज्जन या संत महापुरुष किसी पर कृपा करें उन पर विशेष कृपा है, अगर मेरी शरीर की बॉडी बॉडी को नोच भी देंगे तब भी मैं जीवन भर प्राण देकर भक्ति विवेक भारती को समय का अनुगत्य करूँगा और उनकी साथ ही प्रचार सेवा करूँगा। इस बात को सुनकर कृपा जी बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा खुश हो गए। तो और उन्होंने इतना प्रसन्न हो गए, एक समय जब इन्होंने कलकत्ता में मठ बनाया तो भक्ति विवेक भारती महाराज कहीं दूर चले गए थे, उनको बताया भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज बड़े योग्य हैं और प्रचार आदि करेंगे, दीक्षा आदि देकर मठ को चलाएंगे, अब मेरा जाना उचित नहीं है। तब इनको ये पता लगा तो इन्होंने एक पत्र लिखा पूज्यपाद नित्य लीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज को कि महाराज यदि आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैंने जीवन भर आपके अनुगत्य में की सेवा की है और जीवन भर आपके अनुगत्य में रहूंगा, अगर आप नहीं आएंगे हम पे शासन नहीं करेंगे, ये जो सरस्वती आसन है ये सब है, ये आप ही के लिए, आप हमें जीवन भर निर्देश करेंगे, जीवन भर आपके अनुगत्य में चलेंगे। इनकी कृंदन के पुकार को विरही रूपी पुकार को सुनकर भक्ति विवेक भारती महाराज आए और इनके साथ अंतिम समय रहे। इसलिए जितने भी मठ हैं उनको तिथि मनाई जाती है, गुरुतुल्य तिथि मनाई जाती है, मैं भी उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम पे भी कभी ना कभी अनुगत्य जीवन हम भी लोग बिताए, हमें भी ऐसी प्रभुपाद जी की शिक्षा को कभी जीवन में समझ पाए। जब मैं मठ में प्रवेश किया पूज्यपाद साधु महाराज जी बोले तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मैंने कहा महाराज जी मेरे को कुछ आता नहीं, महाराज जी बोले नहीं बोलना ही पड़ेगा, मैं फिर भी चिप गया पर मां श्रीधर महाराज जी ने बोला, परंतु मैंने जो दृष्टा करी इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े सन्यासी जनों के बीच तो बोलने का प्रयास किया है, आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। और मैं भी कभी प्रभुपाद जी के आश्रित जन हमारे पूज्यपाद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिक्षा में शिक्षित होकर उनके अनुगत्य को फॉलो कर सकूँ, ये मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जय नित्य लीला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जाओ जिसके सब को गुरुवाणी को आज के क्लास में करके हमें समय पैसे होना चाहिए
स्रोत तो वाणी एक ही है, इसमें मैं इंटरप्रिटेशन नहीं चलता है। स्रोत तो वाणी जो है वो एक ही धारा से चलता है, जैसे गुरु बताया वैसे शिष्य को बताना चाहिए। आत्मा वश्यम इदं विश्वम, तो भागवत में हम देखते हैं ईशा वश्यम इदं विश्वम, भागवत में आत्मा वश्यम इदं विश्वम। ये तो परिवर्तन इसमें है, क्योंकि कोई बताते हैं कि परिवर्तन वो सुखदेव कर सकते कि भगवान के सुख ब्रह्म सुख तो नंदन नंदन स्वरूपम, तो सुख ऐसे बता सकते हैं क्योंकि नंदन नंदन स्वरूप है। जो ईशा शब्द का अर्थ आत्मा है, तो उसी प्रकार वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते है। हमारा कर्तव्य गुरुवाणी के अभिजीत संतर में रिले करना, जैसे माइक हमारे हमारी वाणी को सब रिले कर सुना दिया है सबको, ऐसे ही शिष्य का धर्म है गुरुवाणी को रिले करना। आज वैसे एक महान पुरुष के शरणार्थी जो उसके शरणार्थी तो शरणधन्य हमारे गौड़ी वेदांत गौड़ी वेदांत समिति ट्रस्ट के प्रचारक हुआ श्री रूप सनातन गौड़ी मठ के अध्यक्ष महाराज श्री सिद्धार्थ भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज जी को पुष्पांजलि प्रदान करना। शिष्य के मुख से गुरुवाणी जैसे निकलती है वो प्लेटफॉर्म लेक्चर के मुख से ओम ज्ञानतिमिरां दश ज्ञानाय जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बार जोर से बोला बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। मेरे गुरुपाद पद्मा संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिन्न कलेवर नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित सभापति महोदय अन्यान्य त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज है मेरे श्री गुरुपाद पद्म का श्री तिरुभाव महामहोत्सव है, इसलिए हम लोग बड़े बड़े वैष्णव लोगों के मुखारविंद से श्री गुरुपाद पद्म की जो अवदान वैशिष्ट है उसको विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग ने श्रवण किया है। कहते जो वैष्णव लोगों का न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानं च विद्यते, इसलिए वैष्णव उन लोगों का कोई जन्म कर्म बंधन है नहीं। जैसे कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः, कहते भगवान की जन्म कर्म जैसे अपराकृत अलौकिक और दिव्य है,
उसी तरह वैष्णव लोगों का भी जन्म कर्म ये सब के सब दिव्य है। बोले संगे आयसन संगे जान तथा है, इसलिए भगवत आदेश से ही वो इसी जगत में आते हैं और भगवत इच्छा से ही इसी जगत से जाते हैं। इसलिए देव गुरु जी का हमें कथा सुना था, सचमुच से प्रभुपाद का जो गण है, अभी जैसे बता रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यवधाम सहवत है। जैसे श्रीमान महाप्रभु अकेले नहीं संपूर्ण धाम और परिकरों को लेकर के इसी जगत में आए हैं, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अकेले नहीं आए। इसलिए जब राधा रानी की निकुंज सेवा में जब श्री नयन मणि मंजरी इसलिए प्रभुपाद वो सेवा में नियुक्त थे, राधा रानी स्वयं राधा रानी आदेश देती हैं, बोले नयन मणि मंजरी देह की जगत का जीव कैसे कृष्ण विमुखता प्राप्त करके ये संसार में कितने दुख कष्ट को भोग कर रहे, जाओ ये जीवों को उधार करके लाओ। बोले अकेले नहीं अपना परिकरों को साथ में जाओ, अपना परिकरों को साथ में जाओ। उसी तरह से प्रभुपाद जी इस जगत में अकेले नहीं आए हैं, वो संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर वो इसी जगत में आए, अकेले नहीं आए, पूरा उनको परिकरों को लेकर इस जगत में आए। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो गण है ये सब के सब कोई साधारण नहीं, ये सब के सब गोलोक वृंदावन से राधा रानी के निकुंज में ले गए। अभी हमारे श्री पहले जो बताए थे नवीन प्रभु जी देखो एक अच्छी बात बता रहे थे, इस चीज को ध्यान देकर सुनो, वो बता रहे थे अभी कुछ कुछ लोग अभी ये गौड़ीय मठ छोड़ करके किसी दूसरे संप्रदाय में अभी दीक्षा मंत्र लेने के लिए जा रहे हैं, किसी राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या गोपी भाव को किसको पाने के लिए जा रहे हैं, नहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई सचमुच से गोपी प्रेम को महाप्रभु जो अनर्पित चरिचिराद जो प्रेम को देने के लिए जगत में आए थे, वो जो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए थे, अगर वो दुर्लभ प्रेम को वही दे सकते हैं जो केवल प्रभुपाद की आनुगत्य में ही है, नहीं तो ये प्रेम को जगत में कोई नहीं दे सकते हैं, केवल वही दे सकते। बोले क्यों, कहते राधा रानी जिनको अपना निकुंज महल से राधा रानी इनको भेजा है इस जगत में, जो राधा रानी जिनको भेजा है वो प्रेम को वही दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनकी वंदना में कहते हैं ना वृषभाय नो सुता दई तानो चरम चरणाश्रितरेणो धरस्तमहं महदद्भुत पावन शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं। इसलिए इसमें भी और प्रभुपाद का वंदना में क्या बोलते हैं, श्री वारसभाय नवी देवी दैताय कृपात भाई, ये कौन है? बोले श्री वारसभाय नवी देवी दैत है, ये राधा रानी निज परिकर है, इसलिए राधा रानी की परिकर ही और राधा रानी की निकुंज महल की सेवा वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद कहा करते थे ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, उपदेशामृत ग्रंथ है क्या जी, वो कहते थे वो सहजिया उनके लिए कि वज्र है, ये प्रभुपाद का वाणी, ये चीज को गौड़ीय वैष्णव अच्छे तरह से समझो, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे जिंदगी भर। इसलिए ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद कहते थे ये जो ग्रंथ है ये साधारण ग्रंथ नहीं, कभी ये ग्रंथ है सहजिया के लिए वज्र है। बोले क्यों, क्यों ये वज्र इस चीज ग्रंथों को बताया करते थे, कभी ये ग्रंथ जैसे रूप गोस्वामी कौन है, ये रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और राधा रानी की जो परिकर है, वो दुर्लभ प्रेम को कैसे प्राप्त करोगे वही ये चीज को बता सकते हैं। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में उन्होंने जो धारा दिया उसको जो स्टेप दिया है, पहले क्या बताए, बोले पांच बेगम मनस क्रोध बेगम जिहा बेगम उदर उपस्थ बेगम, पहले ये बेग को तुम ठीक करो, अपने पहले कंट्रोल करो, अत्याहार प्रयास साक्ष प्रज्वल को नियम ग्राम, ये जो बताया भक्ति का प्रतिकूल बोले छोड़ो, ये चीज को छोड़ा नहीं, क्लास स्कूल में तुम प्रवेश है गई नहीं, तुम्हारे एडमिशन तुम्हारे नहीं हुआ, तुम्हें पीएचडी का ग्रंथ लेकर तुम बैठे गए हो। इसलिए रूप गोस्वामी इसको धारा एकदम सही से ही बता रहे हैं,
इसलिए धीरे-धीरे कैसे धीरे-धीरे वो ब्रज प्रेम में तुम कैसे प्रवेश कर उसका धारा उन्होंने बताया है। देखो महाप्रभु के देखो क्या कहते हैं शिक्षाष्टक उन्होंने किया भगवान स्वयं कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विकरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम त्रिनादपि सुनिचे न तरुरपि सो महाप्रभु क्यों बताए इस लाइन क्यों दिए वो महापुरुष क्या नहीं बोल सकता असली सब आदरताम विनष्ट राधारानी का प्रेम क्या नहीं बोल सकते थे रूप गोस्वामी क्या नहीं बोल सकते थे वैकुंठ जाने तो बड़ा मधुबरी का नहीं बोल सकते थे सीधा ब्रज में घुस जाओ नहीं भागवत में क्या ऐसे बताया है पहले नारद चरित्र को दिखाया ध्रुव प्रह्लाद को चरित्र अम्बरीश महाराज को चरित्र दिखाया कृष्ण लीला दिखाना पर भी पहले पूतना वध उन्होंने दिखाया ये अपवित्रता को नष्ट करो अघासुर बघासुर को मारो फिर जाकर के रासलीला कहीं अंतिम में लेकिन कुछ ऐसे लोग है ना बस कोई नहीं छलांग लगा देंगे पूरा गुरुदेव कहते हैं कान टूट जाएगा ज्यादा छलांग लगाओ ना पर कान टूट जाएगी कान इसलिए प्रभुपाद कहते इच्छोड़ पाका प्रभुपाद कहते इच्छोड़ पाका पकने से पहले जोर जबरदस्ती पका दिया काटा काटा लगो इसलिए इच्छोड़ पका प्रभुपाद कहते थे देखो और एक चीज समझो जो संप्रदाय अभी जगत वृंदावन में कोई एक संप्रदाय का नाम तो बोलना नहीं चाहूंगा लोग जहां पर भाग रहे हैं जो संपूर्ण वैष्णव धर्म का विरोध कर रहे हैं आपको पता है वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं वैष्णव का जो चार जो फिलोसफी है वैष्णव का चार फिलोसफी वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं जन्माष्टमी व्रत को नहीं पालन करते हैं रामनवमी पालन नहीं करते हैं और उन्हें नृसिंह चतुर्दशी पालन नहीं करते भगवान को तुलसी के बगैर भोग नहीं लग सकता है कहते छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी भगवान को जितने भोग लगाने पर भी जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हो तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगते हैं लेकिन जिस संप्रदाय में लोग भाग रहे हैं वो लोग कहते नहीं ठाकुर जी के चरण में जो तुलसी देते हो ठाकुर जी को खाने में कैसे दे सकते हो ठाकुर जी के चरण में जिस संप्रदाय में भाग रहे लोग हैं कहते ठाकुर जी के चरण में आप इसका अंदर का फिलोसफी आप पता नहीं हम पता है सब इसलिए भगवान की उनके पास में प्रसाद होता ही नहीं क्योंकि जब तक तुम तुलसी पता नहीं दोगे तब तक भोग नहीं लग सकता है उनके पास में प्रसाद है ही नहीं उनके पास में क्यों भगवान बगैर तुलसी के भोग लगाते भगवान को कहते और तीसरी चीज को देखो कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि अच्छे तरह से चीज को समझो कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरि भक्ति उत्पाद रेव केवलम ये श्लोकों को रट लो ये श्लोकों को अच्छे तरह से रट लो नहीं तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं कर सकते हो देखो ये श्लोक क्या कहता है बोले श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना जो हमारे श्रुति स्मृति पंचरात्र में जो विधान दिया है अगर ये विधान को छोड़ करके ऐकांतिक हरि भक्ति जद्यपि तुम्हें दिखती है बड़े राधा रानी के प्रेम की बात करते हैं बड़े राधा रानी की निकुंज सेवा करते हैं कैसे गोपी बनकर सेवा करते हैं बोले उत्पाद रेव केवलम ये शास्त्र कहता है ये उत्पाद है ये भक्ति नहीं वो दिखता है तुमको जैसे भक्ति बड़ी प्यारी प्यारी कथा कहते हैं राधा रानी के निकुंज मंदिर का भ्रष्टाचार है देखो एक पुराण स्वयं कहता है इसकी विधि के विचार जो दिखता ही पड़ता है दिखता ही ऐकांतिक की भक्ति कर रहे हैं राधा रानी की बड़ी प्रेम की बात करते हैं निकुंज सेवा की बात करते हैं उत्पाद है वो भक्ति नहीं वो भक्ति नहीं कहलाते ये शास्त्र स्वयं कहता है ये उत्पाद है भक्ति नहीं तुम दिखता है बड़ी भक्ति की बात कर रहे हैं गोपी की नहीं इसलिए हमारे जो गुरुपाद व्रत में है जैसे श्रील भक्ति श्रील महाप्रभु उन्होंने एक एक भक्तों को देख करके उन्होंने एक एक सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया है एक एक रूप गोस्वामी को देख रस की स्थापन की जीव गोस्वामी को देख रहे उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके हमारे प्रयोजन तत्व को स्थापन किया हरिदास ठाकुर को देख करके उन्होंने श्री नाम का आचार्य को स्थापन किया है जैसे एक एक सिद्ध सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने हमारे संबंध ज्ञान को स्थापन किया उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी इन्होंने भी एक एक भक्तों को देख करके उन्होंने जगत में एक एक सिद्धांत को स्थापन किया एक एक भक्तों को देख करके जगत में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आचे जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना
प्रीति भैया लोग हमारे गायबे की कृति है महाप्रभु का भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम का गली गलियों में कुंज कुंज में शहर शहर में लोग प्रसन्न होकर के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी था। यद्यपि ये भविष्यवाणी को महाप्रभु ने जिन जिन भक्तों को देख करके जितना जितना दूर तक उन्होंने अपना अभिष्ट पूर्ण किया अगर संपूर्ण रूप में अगर किसी व्यक्ति को द्वारा ये वाणी संपूर्ण सक्सेसफुल किसको द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा क्योंकि राधा रानी के नयन मणि मंजरी है। राधा रानी बड़ी दयालु राधा रानी बड़ी कृपालु इसलिए कहते हैं ना मंद्रिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूभिलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि अमा कृपा कटाक्ष भाजनम राधा रानी की कहते त्रिलोक शोक हारिणी राधा रानी की कृपा क्या है तीन लोक का जो शोक को जो हरण करने वाले श्री राधा रानी का कृपा वो कृपा कटाक्ष कौन है प्रभुपाद है क्योंकि राधा रानी की नयन मणि मंजरी है वो आग की पुतला है वही राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष ही श्री भक्ति सिद्धांत ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रूप में आए और इन्हें नहीं अपना शिष्य प्रशिष्य को द्वारा महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। उसी तरह जो मेरे गुरुदेव है जैसे एक एक को द्वारा उन्होंने एक एक सिद्धांत को स्थापन किया उसी तरह मेरे गुरुदेव भी इनका नाम उन्होंने क्या नाम रखा बोले सिद्ध स्वरूप। अभी गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई बोले सिद्ध रूपिणा निकुंजे राधा कृष्णम सेवा करती सिद्ध स्वरूप उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए कहते हैं कोई कोई देखो जो सहजिया लोग है ना वो क्या कहते हैं अरे गौड़िया मठ है ना चिवड़ा खाता है चिवड़ा रखते हो इसलिए जैसे ये सब चिवड़ाते हैं ये तो कोई रस की बात करते नहीं ये तो कोई प्रेम की बात नहीं करते हैं हाँ ये तो चिवड़ा राधा रानी के निकुंज की बात नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने इन्होंने मेरे गुरु जी का नाम सिद्ध स्वरूप नाम दिया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का नाम विनोद उन्होंने विनोद नाम रखा ही विनोद मंजरी और महाराज का जो गुरुदेव है भक्त विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने स्वयं इनके लेटर लिखा इनके पास में इनका नाम दिया विमल मंजरी इनका गुरुदेव को उन्होंने लेटर भी दिया विमला मंजरी नाम दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने जो शिष्यों का जो नाम दिया है ना वो नाम के अंदर में उन्होंने उनका सिद्ध स्वरूप का नाम तो उन्होंने प्रकाशित किया है लेकिन कोई कोई कहते नहीं प्रभुपाद दिया नहीं प्रभुपाद दिया है लेकिन इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म प्रभुपाद का उन्होंने जीवन को लिखा है उनका जीवन में मेरे गुरुदेव कहते हैं कहते प्रभुपाद का जो सिद्ध स्वरूप था प्रभुपाद इनको दो तरह का व्यक्ति दो रूप में दर्शन किया है भले पहला व्यक्ति जो अनर्थ युक्त व्यक्ति कहते उनको एक रूप में देखा भले किस रूप में देखा इनको देखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये सिद्धांत सरस्वती नाम किसने दिया है प्रभुपाद की विद्वता प्रभुपाद की जो मेधावी प्रभुपाद का जो विद्वता थी जिसको देख करे थे उसी समय तथाकथित जितने सारे विद्वान मिल करके उन्होंने ये भक्ति सिद्धांत नाम दिया इनको इन पर ज्योतिष विभाग की जो सर्वश्रेष्ठ पद प्रभुपाद को दे रहे थे प्रभुपाद ने कहा देखो उन्होंने एक अयनास शब्द को लेकर विवेचना हुई तो प्रभुपाद जो उनका प्रिंसिपल था ज्योतिष विभाग का प्रभुपाद का विचार सुनकर के उन्होंने कुर्सी में तो टाटी पेशाब कर दिया सुने प्रभुपाद का विचार सुनकर के और इनको बोला गया आप ये पद को प्रिंसिपल पद बोलो प्रभुपाद ने कहा मैंने तारा और मैंने ये तारा को चंद्रमा ईट बालू गिरने के लिए नहीं आया मैं तो महाप्रभु का के पिया न हूं केवल उनकी वाणी को मैंने देने के लिए आया है ये तारा और चंद्रमा को गिरने के लिए मैं नहीं आया। और प्रभुपाद को बोले जब तक इसी दुनिया में आप रहेंगे ये तब तक इसी कुर्सी में कोई नहीं बैठ सकता है केवल बैठने का लायक आप ही हो तब तक ये कुर्सी खाली रखे उसी समय में सब लोग मिल करके प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको उसमें पदर में विभूषित किया है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं साधारण लोग रूप में ये दिखाई पड़ी लेकिन इनका जो अंतरंगजन है प्रभुपाद इनका जो अंतरंगजन मेरे गुरुदेव एक अच्छी बात कहते हैं जैसे श्री राधा रानी को दिखाई पड़ता है सूर्य पूजा के लिए सूर्य कुंड जा रही है
लेकिन क्या सूर्य पूजा के लिए राधा रानी जाती थी? सूर्य पूजा के लिए नहीं जाती थी, वो जाती थी सिर्फ श्याम सुंदर से मिलने के लिए। श्याम सुंदर से मिलने के लिए सूर्य पूजा बहाना है। इसलिए प्रभुपाद का, इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं मैं तो जंगल काटते काटते मेरा जीवन चला गया, लेकिन जो चीज को देने के लिए मैं आया हूँ, जिस चीज को देने के लिए आया वो चीज तो बड़े बिरले व्यक्ति ही लो चीज को ले पाए। इसलिए प्रभुपाद उपदेशामृत में बहुत सारी जगह में प्रभुपाद कहते हैं हम रूप गोस्वामी के चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र कामना है। केवल एक इच्छा है रूप गोस्वामी के चरण की धूल, मतलब रूपानुगत तो होके राधा रानी की अनुगत्य में श्याम सुंदर का सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद बारंबार ये चीज को, प्रभुपाद बारंबार ये बात को बोले। इसलिए प्रभुपाद जो उनका अंतरंग जो भक्त है उनको पास में श्री भार से भानवी देवी दैत रूप में प्रकाशित हुई, राधा रानी के अत्यंत निज जन रूप में उन्होंने प्रकाशित हुए हैं। इसलिए हमारे गुरु जी का कर्म अभी अभी सब भक्ताल को बहुत सारे वैशिष्ट गुरु जी का कर्म में पहला वैशिष्ट ये था। इसलिए गुरुपाद भक्त उन्होंने गुरु निष्ठा को पहले दिखाया, जैसे हम माला में जप करते हैं ना हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, उसी तरह मैंने स्वयं देखा गुरुदेव को, गुरुदेव दिन रात हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद दिन रात जैसे माला जप करते हैं, मैंने देखा गुरुदेव दिन भर हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद केवल यही नाम को जप करते थे। मतलब है प्रभुपाद का प्रति इनका जो निष्ठा है, इनका जो निष्ठा प्रभुपाद प्रति, जो गुरु निष्ठा, इन्होंने सर्वप्रथम गुरु निष्ठा की महत्व उन्होंने दिखाए। पहले गुरुपाद पद में जहाँ रहे भक्ति निष्ठा जगत तारी से सही कार्य मार सकते, इसलिए जिनके श्री गुरुपाद पद में निष्ठा रहती है वही व्यक्ति ही विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए पहला इनके अंदर में गुरु निष्ठा उन्होंने दिखाया। दूसरे निष्ठा उन्होंने दिखाया, देखो ये जो चित्रकार देख रहे हैं ना, इतने सारे चित्रकारी है, ये किसी गौड़ी मठ में पहले नहीं था, पहले सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव ने किया है ये चीज को। उसी समय कोई कोई बोले ये सब क्या, सब पुतला पुतला तुमने बना दिया मंदिर में? हाँ बना दिया, लेकिन मेरे गुरुपाद हमारे मंदिर में गए होंगे, देखे होंगे जो पूरी कलकत्ता नवद्वीप मठ में, वहां पर जैसे यहाँ उपदेश है ना, एक जगन्नाथ दास और गौरव ईश्वर श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का जैसे उपदेश है, हमारे जो गुरु जी का मंदिर जाओगे जैसे लगता है इससे सख्त बात करता है। जितने गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, उसका जो सार सार श्लोक है गुरुदेव ने पूरा दीवार में लिख कर रखे। क्यों? सारे मूर्ति जानते हैं कलयुग आने वाले, लोग हरिकथा सुनेंगे नहीं, कम से कम ये चित्रकारी माध्यम से अगर कुछ चीज को अगर समझ गए, अगर उनके हृदय में कुछ बैठ गया, जब कोई व्यक्ति आते थे हम समझाया करते थे भगवान इसको जरा क्या सिखा दिया, ये क्या लीला किया, ये क्या लीला की, लोग अगर कम से कम कोई अगर बोलने वाले नहीं हो मंदिरी सख्यात, जो मंदिरी हमारे गुरुदेव ने बनाया वो सख्यात बात करती है, मंदिर सख्यात बात करता है। ये चीज को मैंने मेरे गुरुदेव सर्वप्रथम उन्होंने मेरे गुरुदेव ये चीज को उन्होंने स्थापन किया है मेरे गुरुपाद पद्म। और मेरे जो गुरुपाद पद्म में इनके अंदर में और एक निष्ठा थी, अब लोग मैं श्रवण कर रहे थे, मैं एक बात बताना पहले जा रहा था, प्रभुपाद का जो गण है ये सबके सब राधा रानी के नित्य परिकर है, इसका प्रमाण देखो। एक समय मंदिर में एकदम नया नहीं आया, मेरे कुछ पता नहीं था, छोटा बच्चा था, एक दिन गुरुदेव स्वयं बोले रथ आया मेरे को लेने के लिए, गुरुदेव स्वयं बोले रथ मेरे को लेने के लिए आया, उनको जो सेवक थे बोले मेरे को स्नान कराओ और मेरे को तिलक लगाओ, अब ये रथ आया मेरे को लेने के लिए, अब तुम बैठ कर कीर्तन करो। अभी तो शिष्य लोग अगर कोई गुरुदेव बोले फिर तो उसको तो सबके हाथ खा गए, सबके सब गुरुदेव बोले जा रहे जाएंगे, सबके सब कीर्तन कर रोने लगे। मैं तो उसमें छोटा बच्चा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, नया नहीं आया इतना, जब कुछ थोड़ी देर समय चला गया ना, फिर गुरुदेव बोले देखो अभी महाप्रभु कहते हैं अभी और कुछ काम तेरे से करना है, महाप्रभु कह रहे और कुछ काम तुम्हारे होने वाले हैं और कुछ रुक जाओ, अभी मेरे लेने के लिए मना कर दिया। देखो जो व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति है तो ये समझो ये सबके सब प्रभुपाद के राधा रानी के कितने निज जन हो सकते हैं, तभी ये बात उनकी अनुभूति करके ये बात बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का गण कोई साधारण नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी के अंदर में विशेष करके दो चीज प्रकाशित होता है, एक चीज जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में दो चीज विद्यमान दिखाई पड़ा, एक सिद्धांत और एक तत्व, दो चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती अंदर में सिद्धांत और तत्व दर्शन दोनों, क्योंकि इनकी टीका आप लोग पढ़ोगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, आप लोग देखोगे कि इनकी कथा में देखोगे एक तो आपको केवल कथा नहीं मिलेगा, वो सिद्धांत के साथ में आप कथा मिलेगी सिद्धांत के साथ में। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म के अंदर में भी ये दो चीज मिला है, एक तो आप लोगों ने सीधा इनका नाम ही जब गुरुपाद प्रभुपाद नाम दिए
सिद्ध स्वरूप नाम दिए। जब इनके सन्यासी नाम यही भी सन्यासी नाम हुआ भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज। इसलिए ये सिद्धांत सिद्धांत तत्व तत्व इनके अंदर में, क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो सिद्धांत जो तत्व दर्शन है उसका अगर अलसता नहीं करनी चाहिए। देखो अभी हमारे धीरे धीरे गौड़ीय मठ में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे प्रभुपाद का समय में इतने प्रचार प्रसार था, प्रभुपाद ने 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया, फिर उनका शिष्य लोगों ने प्रचार प्रसार करते बनाए। अभी क्या हुआ, हम लोग प्रचार नहीं करते हैं और अपना ग्रंथों को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ने का नाते कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं। अरे तुम्हारे घर का जो संपत्ति है अरे उसको पढ़ो ना। हमारी गौड़ीय वैष्णव में जितने ग्रंथ है, जितने ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव में किसी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं। एक रूप गोस्वामी को देख लो क्या क्या उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देख लो क्या क्या ग्रंथ नहीं बनाया, और हमारे श्री जीव गोस्वामी को देख लो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या क्या ग्रंथ नहीं बनाया। हम अपना संप्रदाय का ग्रंथ पढ़ते नहीं, राधा रस सुधानिधि हमारी संप्रदाय की ग्रंथ है, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती का ग्रंथ ये ग्रंथ है। अभी ये ग्रंथों को दूसरा लोग पढ़ पढ़ कर हमें सुना रहे हैं और हम वहां भाग रहे हैं, अपना घर की संपत्ति कोई चोरी करके लेकर हमें सुना रहे हैं, हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं और उसका हम भाग रहे हैं सुनने के लिए। हम कितने दुर्भाग्य आए और खा पीकर 100 साल के जीवन को बिता रहे हैं। नहीं, हम बड़े सौभाग्यवान जो कि हम इसी संप्रदाय में आए। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने जो ग्रंथ दिया ग्रंथों को पढ़ो, हम पढ़ते नहीं हो ग्रंथों को, हमारी दुर्भाग्य है। इन लोगों ने पत्ता जला जला कर इन ग्रंथों को लिखे, अरे कम से कम ये ग्रंथों को तो पढ़ो, कम से कम ग्रंथों को। इसलिए हमारे जो गुरुपाद पद में है कभी इन्होंने जो इनका नाम सिद्ध स्वरूप विद्या बागी से आप लोग सुन रहे थे, विद्या महाउपदेश इसे उपदेश प्रभुपाद ने दिया है। इनके अंदर में सिद्धांत बलिया चित्त ना कर अलस, इसलिए कहते जो सिद्धांत तत्व दर्शन है इसमें अलसता नहीं करनी चाहिए, इसमें ग्रंथ सिद्धांत पढ़नी चाहिए। इसलिए मेरे गुरुपाद पद में आप लोग श्रवण कर रहे थे कहते जब तक तीन ग्रंथों के ऊपर में किसी की टीका नहीं होगा उसको संप्रदाय नहीं माना जाएगा। यहाँ तक भी कहते जो मायावादी संप्रदाय है उसी में भी अभी प्रस्ताव त्रय सुन रहे थे ना, श्रुति स्मृतान स्मृति प्रस्थान और नायक प्रस्थान, मतलब ब्रह्म सूत्र उपनिषद और भगवद गीता, ये तीनों ग्रंथों के ऊपर जब तक इसका टीका नहीं होगा ना उसको संप्रदाय ही माना जाती है। इसलिए आप लोग श्रवण कर रहे थे, इसलिए प्रभुपाद का जो इच्छा थी उन्होंने भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज की बात उन्होंने बताए थे, बोले उस समय वो बड़े विद्वान थे, बोले देखो अपना संप्रदाय के अनुरूप हमारी ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में कोई टीका होनी चाहिए, नहीं तो इसको संप्रदाय नहीं माना जाता है। इसी टीका के अनुरूप मतलब है जैसे ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो नित्वाद अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात, कहते ये जो सूत्र के ऊपर में पहले जो था दास्य सख्य रस तक उसको ऊपर में कोई विवेचना नहीं किया, उसके ऊपर में और कोई विवेचना ही नहीं की। लेकिन महाप्रभु जो जगत में देने के लिए आए वो अनर्पित चरिन चिरा तो ब्रज प्रेम को देने के लिए आए, कहते इसी ऊपर में कोई इसके ऊपर भाष्य होनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने अपना मन भावना को भक्ति गुरुदेव श्रौती गोस्वामी महाराज को उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने कोशिश किया था लेकिन छोटी ग्रंथ बनाया। वो कहते हैं मैं सक्सेस में संतोष नहीं था, लेकिन जब देखा सिद्ध स्वरूप भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज ये तीनों ग्रंथ के ऊपर टीका लिख रहे, वो कह रहे हैं मैं इतना प्रसन्न इतने प्रसन्न हो गया मैं भाग भाग कर गया। वो कहते मैं भाग भाग कर गया सिद्धांति महाराज के पास में, कहते ये प्रभुपाद मेरे ऊपर ही दायित्व देकर गए थे, वो स्वयं कह रहे हैं मेरे को ऊपर देकर देते थे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये प्रभुपाद का जो इच्छा है अभिष्ट है। अभी पहले तो तुम्हारे अंदर में पहले गुरुदेव केवल प्रचार ही करते थे, प्रचार में आप सुन रहे थे ना कैसे उन्होंने राम कृष्ण मिशन और विवेकानंद से छटा जुड़ा दिए, पहले तुम्हारे अंदर में केवल प्रचार की ही विद्वता प्रकाश हो रही थी, लेकिन अभी तुम ये ग्रंथ शास्त्र भी प्रकाश कर रहे हो, इतने प्रसन्न हुए बोले हर तरह से मैं तेरे को मदद करूंगा ग्रंथ करो, ये प्रभुपाद का मनोभीष्ट है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने वो ग्रंथ को परमे जैसे जन्मादस्य जत, साधारण रूप में इसको क्या व्याख्या करते हैं जन्मादस्य जत, जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, लेकिन इसी शब्द को मुक्त प्रग्रह वृत्ति में इस शब्द को व्याख्या कर दो, बोले जन्मादस्य जत जत बोले जिनसे आदि रस मतलब श्रृंगार रस, जन्म जिनसे ये आदि रस की सृष्टि होता है, किससे बोले श्रृंगार रस श्रीमती राधा रानी से। इसलिए अनुराधितरतस्य कहते प्रेम का संपूर्ण राधा कृष्ण का सौंदर्य का प्रकाश होता है, बोले राधा रानी
कृष्ण जब अनुकूल नायक होते हैं, राधा रानी जब स्वाति, रूप गोस्वामी का शब्द है, राधा रानी जब स्वाधीन पत्रिका होती है, मतलब कृष्ण जब संपूर्ण रूप में, जब कृष्ण राधा रानी मान करती हैं, जब श्याम सुंदर हाथ जोड़कर उनके चरण में उनको मनाने के लिए चाहते, तब भी इनके अंदर में संपूर्ण जो सौंदर्य का परिप्रकाश होता है। ये जो शब्द सत्यं परम धीमहि, परम सत्य कौन है, बोले परम च पराम से पराम श्रीमती राधा रानी, बोले देवी कृष्णमय प्रता राधिका परा देवता। ये जो शब्द को, जो ब्रह्म सूत्र का जो शब्द है, हाँ, इसको जो श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में, कहते हमारे गुरुपाद में इसको जो व्याख्या किए, अनुवृत्ति टीका लिख कर उसको इतने सुंदर ग्रंथ बनाया हमारे गुरुपाद पद में, एक तरफ से जैसे सिद्धांत जैसे इनके अंदर में, उसी तरह जो रस का जो जैसे इनके अंदर में दो जीव है, विश्वनाथ जी ठाकुर अंदर में, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी, रस और सिद्धांत है हमारे गुरु जी के अंदर में भी, ये चीज को अपूर्व रूप में, दिव्य रूप में गुरु जी के अंदर में ये परिप्रकाश दिया है। इसलिए इनकी भी बहुत बहुत सारी इनकी अवदान गुरु जी की, विशेष करके तीन मत में ठाकुर को सेवा पूजा की मत कम किया, लेकिन गुरुपाद पद्म केवल ग्रंथ के ऊपर में ज्यादा किया केवल, इसलिए वेदांत सूत्र के ऊपर में उपनिषद जो ज्ञान उपनिषद है, और उसको बाद में फिर किरण बिंदु करण किरण कणा यही नियत वैष्णव पढ़ा है, और उन्होंने दो दो उन्होंने ग्रंथ निकाले, कौन सा ग्रंथ, ये उपदेश हमारे जो भक्ति गीति कुछ है, ये ग्रंथ निकाले है, गुरुदेव उद्धव संवाद, उद्धव संवाद गुरुदेव ने निकाले, फिर गुरुपाद पद्म दो गीता, एक गीता नहीं, एक श्री बलदेव विद्याभूषण और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का, इसलिए गुरुदेव ने इतने ग्रंथ इतने, इसलिए हमारे से भक्ति विलास तीर्थ महाराज महाराज का गुरुदेव को स्वयं लिखते हैं, हमारे गुरुदेव के लिए स्वयं लिखे, बोले सिद्धांत देखो से सिद्धांत महाराज जगत में सबसे बड़ा दानी किसको बताया, बता ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रहि दायित दृक्षताम दीक्षुताव का त्वयि धृतात् सव त्वांग विचिन्नते। राधा रानी गोपिया कहती जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, बोले जो भगवत कथा का दान करते सबसे बड़ा दानी, लेकिन हम महाराज का गुरुदेव कहते हैं, कहते जो कथा को दान करते तो बड़ा दानी है ही है, लेकिन उसी कथा को चिरकाल के लिए छपा करके, वो कह रहे हैं चिरकाल के लिए ग्रंथ रूप में जो छोड़ करके जाते हैं, कहते उससे भी बड़ा दानी है जो बृहद है बृहद मृदंग रूप में ये ग्रंथ को जो प्रकाश करके जाते हैं, उससे भी बड़ा दानी जो ग्रंथ प्रकाश करके जाते हैं। इसलिए श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बात कहते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी ऊपर बड़े प्रसन्न हुए होकर के बताया, देखो श्री श्री वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र को रचना तो की, लेकिन ब्रह्म सूत्र को रचना करते हुए बाद में सोचे, ब्रह्म सूत्र को तो मैंने रचना की लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका व्याख्या जब तक नहीं बताऊंगा लोग कैसे समझेंगे। फिर उन्होंने निगम कल्प तरुर गलितम फलम, फिर उन्होंने भागवत को उसका उन्होंने ग्रंथ रचना कर गई, और भागवत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु किया है रासलीला है, रासलीला में जहाँ पर कृष्ण गोपियां कहते हैं अनयाराधितनुनम भगवान हरीश्वर, उसके अंदर में राधा रानी की महिमा, इसलिए वेदांत सूत्र मतलब होता है वेदांत, मतलब वेद का अंत, वेद का सार, वेद का सार क्या बोले भागवत, और भागवत का सार क्या ब्रज प्रेम, ब्रज प्रेम का सार गोपियों की प्रेम, और सर्व गोपियों को सेवा का विष्णु रतन तब लगा, ये गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करते हो किसकी है, किसकी पूजा करती है, राधा रानी की। इसलिए गुरुदेव ने सब चीज को बड़े विद्वता पूर्वक स्थापन कर गए, इसलिए हम लोग सबके साथ इनकी चरण में ऋणी है, इसलिए ये हम सबको ऊपर में कृपा करे, सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, इन्होंने जो दिव्य ग्रंथों को प्रकाश करते हुए गए, जैसे ग्रंथ हम पढ़ सके और इसी के पीछे हम अनुधावन कर सके, हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा दल कृपा पुष्पांजलि प्रदान करते के बात तो उनकी बात है, उन सब के आशीर्वाद से जो मिला है वो ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वतीष्टम पदाब्जो दशार्पित जीव वित्तम आचार्य वज्रम सदिमान्न भक्ति श्री रूप सिद्धांति
प्रभुं गुरुं नमामि त्रिवारति स्थापितवाचनादि पतिं जतीन्द्रं सुतिवीरवदनं प्रज्ञानबीजं प्रज्ञानविद्धं संसारी जीव का बीज जो क्या है वो तो बीज से केवल प्राकृत पैदा होता है और प्रज्ञान प्रेम भक्ति बीजम प्रज्ञान बीजम सति कीर्तिमन्तम श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि प्रसाद केन्द्रम पुतरोक्मे अन्नतम अकुंत पाग्मी प्रधान माता च दुदे मुहिष्टम तीते जतीत प्रवरे कृतज्ञम तित्वमरत और सातित्व दोनों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ विशेष रूप से भारती महाराज के प्रति अत्यंत कृतज्ञ श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि वेदांत सूत्रोपनिषद गौरव भाष्यान वादादि कृतं महंतं गर्वात्मदैवं तदभीष्टकज्जं त्रिरूप सिद्धांति प्रभुं नमामि चैतन्य कृष्णे परिनिष्ठितं रूपानुगं भक्तिरसानुरक्तं श्रीकृष्ण संकीर्तन राजमुग्धं त्रिरूप सिद्धांति प्रभुं नमामि बादी निशिंगम परमात्मपदम बादी निशिंग बादी को दर्शन करने के लिए निशिंग की बादी जिनका प्रभाव वो है बादी निशिंग बादी निशिंगम परमात्मपदम सद्धर्म संस्थापन सम्मतिष्टम साधुत्तमं भागवतार्थ दीपम भागवतार्थ को प्रकाश करने वाले साधुत्तम श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ मंत्रे च तंत्रे विबुधं चरणम जुक्तो च दक्षं भजने कृतार्थम मंत्र तंत्र शास्त्र वेतो अतिशय पंडित लो श्रद्धालु के शरण युक्ति और भजन में कृतार्थ दक्ष गच्छामि पादान चरित्रशीलम श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि मैत्री कृपा प्रेम क्षुदा विचिक्तम वस्तुधन के प्रति मैत्री परिष्ठधन के प्रति कृपा आराध्य के प्रति प्रेम क्षुदा के द्वारा विचिक्त शत्रु कितैषी प्रवरं प्रशांतम और क्या शत्रु के प्रति भी हितैषी जो लोग गोली मार के प्रति शत्रुता कैसे हितैषी है गाली देते हैं तो कैसे होती है हितैषी होता है तो बता दिया है वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद को तो नमाज करें उनका सिर पर मैं लाती बात और नजंदर चक्र कहते हैं जमीन तलों के निमंत्रण ही जीवित अवस्था में उनके मुख में आग लगाओ ये तो प्रभात जी कहते हैं तो आई तो की कृपा आशीर्वाद बचित हो रहा है जो लोग चिंतन मुख निमंत्रण ही मगज खराब हो गया खराब होने के बाद क्या कर धक्का लगा दिया है लात मार के आशीर्वाद स्वयं दे देते हैं वो आशीर्वाद जो जान सकते हैं ऐसे शत्रु हितैषी प्रवार शत्रु के पे हितैषी के कैसे होता है शत्रु का भाव उद्घाटन करके वो कब जला देते हैं और भाग से जब चल जाए तो उनके हृदय से पाप कम हो जाने के बाद वो मालूम होते हैं कि ये हमारे प्रति शत्रुता किया कि मित्रता किया शत्रु हितैषी प्रवरं प्रशांतं गोविंद राधानुचरी स्वरूपं गोविंद राधानुचरी स्वरूपं स्वरूप सिद्धांति प्रभुं नमामि ज
जब तक हमारे सामने गुरु वैष्णव रहते हैं तब तक हम मालूम नहीं होते हैं, चल जाते हैं तो मालूम होते हैं, चल जाते हैं क्यों, संसार की अनित्यता, फिर भी शिष्य जनों की अंतर में विरह, जो विरह से भगवान साक्षात्कार होता है, संभोग से भगवान साक्षात्कार मधुर नहीं हो सकता है, संभोग व्यापार से जो मिलन, मिलन में आनंद इतना ही नहीं है जितना आनंद विरह में है। भगवत तत्व विज्ञान विरह में ही प्रस्तुत होता है, जैसे इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवल विप्रलम रस को आस्वादन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या संभोग लीला को आस्वादन नहीं करते, कभी संभोग बात बताया कि चैतन्य चरितामृत में संबद्ध बात है कि स्वयं राधा तो है, स्वयं राधा बाप ने कि ये संसार में आविर्भूत हुआ है, परंतु बाद में तो संबद्ध बात नहीं है, कहाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, तारे जनाबो के बाद जाने मर दुख हो ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटी मंदूर, क्यों कहते हैं संभव बात हुआ पर नहीं तो संभव बात संभव करते 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 कृष्ण भगवान थक गया, लेकिन संभव से इतना आनंद नहीं मिला, इसलिए विप्रलंब लेके अभी ढूंढते हैं। तो विप्रलंब में क्या होता है, स्मृति होता है, विप्रलंब में भी संभव है, वह है मानसिक, वह आनंदमय है, बाहर से जो मिलन होते हैं वो मिलन से विप्रलंब में जब मिलन होते आए वो मिलन तो मधुर मधुर, क्योंकि वहां पर सब स्फूर्ति प्राप्त होता है, जैसे गोपियां गीत गाती है राजस्थली में कृष्ण को स्मरण करते हुए लीला स्मरण करते करते गाती है, लेकिन संभव की गान गीत गान किया गया है, संभव में इससे गान नहीं गाते, तो मानो विप्रलंब वैष्णव लोग इसलिए हमें हमारे अंतर में विप्रलंब जगाने के लिए भगवत तत्व विज्ञान आशीर्वाद किया, उसको स्फूर्ति कराने की है, संसार में चल जाती है, क्योंकि ये संसार तो एक पाठशाला में गुरु जी जाती है पाठ पढ़ा दे के फिर अपना घर चल जाती है, ऐसे ही गुरु जी गुरु लोग जो है वो भगवान से प्रेरित है, फिर भी भगवान कम समाप्त करके अपना धाम में चल जाती है, या से जो लोग है सुबुद्धिमान जो है शिक्षा लेके फिर उनके पीछे पीछे उधर भागती है, जो गुरु जी से मंत्र लेके संसार में भागते है वो तो कुशिष्य है, वो शिष्य स्वरूप है, और शिष्य है वो जो गुरु जी की बात को आश्रय करके गुरु जी कहा गया तो वो किसे पीछे भागते है, मनो वो है सब शिष्य। जय गोविंद। उसी तरह प्रभुपाद प्रभुपाद कहते कहते प्रभुपाद के पास चले गए, नारायण मंदिर के पास चले गए, तो उन महापुरुष के चरणारविंद में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद प्राप्त। जय गोविंद। जय गोविंद। जय आरती करो। हाँ हरे कृष्णा। चैतन्य सन्यासी और ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्त लोग आपके लिए ऊपर में प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए सबके सब ऊपर में है, और जितने माताएं हैं आप लोग सब नीचे प्रसाद पाना, और जितने हमारे वैष्णव वैष्णवी भाई लोग सबके सब ऊपर सब नीचे प्रसाद। अभी ठाकुर जी आर जब केवल अभी ठाकुर जी की आरती होगी, आरती के बाद में सबके सब आंख ऊपर आना। हाँ हरे कृष्णा। आरती प्रभु की भाई अपनी गाय नहीं